हेलो दोस्तों, मेरा नाम रितेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि कस्टम URL कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कस्टम URL होता कैसा है। तो आप लोगों ने, जो बड़े क्रिएटर हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि YouTube.com और जो उनके चैनल का नाम होता है YouTube.com के आगे लिखा होता है, तो इसी को हम URL बोलते हैं। तो आज हम वीडियो में बताएंगे कि URL कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि अगर आप आज से चैनल स्टार्ट करें तो उस पर 100 सब्सक्राइबर और 30 दिन आपका चैनल पुराना होना चाहिए। अगर आपका 100 सब्सक्राइबर हो जाते हैं और आपके चैनल को एक महीना हो जाते हैं तो आपको कस्टम URL मिल जाता है। कस्टम URL मिल भी जाता है तो उसको आप क्रिएट करना पड़ता है, तब आपको कस्टम URL मिलता है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि कस्टम URL कैसे हम लोगों को मिलता है। तो इसके लिए हम आप जाएंगे अपने मोबाइल स्क्रीन पर और हम आप लोग वहाँ पर बताएँगे कि आप कैसे कस्टम URL बना सकते हैं। तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगर आप बीच में स्किप कर देते हैं तो आपको वीडियो बिल्कुल समझ नहीं आएगा, तो आप वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए, हम देर ना करते हुए चलते अपने मोबाइल स्क्रीन पर और हम आप लोगों को वहाँ बताएँगे कि कस्टम URL कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, देखिए मैं यहाँ पर अपना मोबाइल स्क्रीन को ओपन कर रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग करना क्या है कि अपने क्रोम ब्राउजर में जाके अपने YT स्टूडियो को ओपन करना है, ठीक है। ओपन करने बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा, तो हम YT स्टूडियो को क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपका ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को करना क्या है कि आपको कस्टमाइजेशन पर क्लिक करना है, ठीक है। तो देखिए, जब आप मोबाइल में ओपन करते हैं तो आपको मतलब यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखा देता है, ठीक है। अगर आप अपने कंप्यूटर में अगर ओपन करते हैं तो आपको जो भी यहाँ पे जो सिंबल दिख रहा है तो इसके आगे लिख देता है कि कस्टमाइजेशन मोनेटाइजेशन है, ठीक है। तो मैं अपने सिंबल से मैं पहचान जाता हूँ, ठीक है। तो मुझे कस्टमाइजेशन पर क्लिक करना है। कस्टमाइजेशन क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो आपको 3 ऑप्शन दिखाई देगा, लेआउट, ब्रांडिंग और बेसिक इन्फो का, ठीक है। तो हम लोग करना क्या है कि यहाँ पे बेसिक इन्फो पर क्लिक करना है। बेसिक इन्फो पर क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे देखिए, आपको दिखाई देगा सेट ए कस्टम URL फॉर योर चैनल, तो इस पर हम लोग को क्लिक करना है। तो देखिए, यहाँ पर क्लिक करने के बाद मेरे यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। स्टार डांस आप चाहे तो वहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेरे को एडिट करने कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद इतना करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करके देखिए, यहाँ पर मैं क्लिक कर चुका हूँ। आप यहाँ चाहे तो मतलब कोई भी एक अक्षर लिख सकते हैं, एक या मतलब आप जो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट आंसर मैं वन ले लीजिए, ठीक है। और आपको यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है पब्लिश का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ से अपना पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। फिर पब्लिश करने के बाद यहाँ पर कन्फर्म, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपका URL बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। अब आप अपना, आप यहाँ से URL को अपने कॉपी कर सकते हैं और आप जहाँ इसको चाहे तो पेस्ट कर सकते हैं, कहीं भी लगाना होता है तब तो लगा सकते हैं, ठीक होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक करना, कमेंट्स करना और अब आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो आपको ऐसे हमेशा मिलते रहेगी। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।